अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि रमज़ान में काफ़ी अपनी चीज़ें बनाई हैं, समोसे, पकोड़े, काफ़ी चीज़ें एक ही जैसी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा आज पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि मैंने इफ्तारी में बनाया है। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप लुक वार्म वाटर। लुक वार्म नीम गर्म पानी होना चाहिए, गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं। और उसमें 1 खाने का चम्मच चीनी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। साथ मैंने इसके अंदर डाला है ईस्ट खमीर, जो कि मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं 4 कप मैदे में। तो अगर 4 कप मैदा आप लेंगे तो फिर उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ईस्ट आप डालेंगे, और इसी हिसाब से क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने पिज़्ज़े आपने बनाने हैं। तो ईस्ट को मैंने मिक्स करके पानी में रख दिया है, क्योंकि 3 से 4 मिनट में अगर ईस्ट हमारा राइज हो गया तो इसका मतलब है इसी स्टेज पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ईस्ट ठीक है और हमारी डो अच्छे से राइज हो जाएगी। तो साथ मैंने अब ले लिया है एक बाउल। बाउल में डाला है मैंने 4 कप मैदा। तो मैदा जो है वो हमने 4 कप लिया है, इससे हमारे 2 पिज़्ज़े बन जाएंगे ईज़िली। क्रस्ट अगर आपने थिन रखना है तो 3 पिज़्ज़े भी बन जाएंगे। मैदे में हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और उसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमारा ईस्ट राइज हो चुका है 3 से 4 मिनट में, इसका मतलब है हमारी डो अच्छे से राइज होगी और हमारा ईस्ट बिल्कुल ठीक है। इसी स्टेज पे आपको पता चल जाएगा ईस्ट राइज हो गई तो फिर आपकी डो अच्छी बनेगी। अभी मैंने ईस्ट वाला जो बैटर बनाया था, जो ईस्ट का वाला लिक्विड था, वो मैंने सारा मैदे में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ जो हमने अब पानी यूज़ करना है मैदे को गूंदने के लिए, या दूध हम इसके अंदर डालेंगे जो कि लुक वार्म होगा, नीम गर्म होगा। अगर आप पानी ऐड कर रहे हैं तो वो भी आपने नीम गर्म यूज़ करना है। तो 1/4 कप मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर फिर भी कमी बेशी रह जाए, डो को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना आपने, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हमने अच्छी सी डो तैयार करनी है। और जब आप दूध डालने के बाद भी आपको लगे कि डो में अभी कमी है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी सी हमने डो तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी। तो दूध हमने सारा डाल दिया है और अभी डो हमारी थोड़ी सी सख्त है, तो हम थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। 3 से 4 मिनट तक डो को अच्छे से आपने गूंदना है। आप इसको किसी भी तरीके से गूंद सकते हैं, जिस तरीके से आप आटा गूंदते हैं, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे 3 से 4 मिनट तक डो को गूंद लें, थोड़ा सा अंदर पानी ऐड कर लें अगर बहुत ज़्यादा सख्त है डो। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल मैंने इस स्टेज पे ऐड किया है, आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे भी आप ऐड करके इसको अच्छे से दोबारा से गूंदेंगे 1-2 मिनट के लिए, और फिर ऑयल सारा इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा डो के अंदर। और फिर हम अपनी डो को राइज होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये ऑयलिंग करेंगे और जिस बर्तन में हमने रखी है उसके ऊपर भी ऑयलिंग करेंगे, और फिर हम डो को 1.5-2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है उसमें भी रख सकते हैं, नहीं है तो इसके ऊपर सिंपली मैंने कपड़ा दे के, कोई भी कपड़ा आप ले लें जो किचन में रुमाल होते हैं दे के, और ओवन में रख दें, माइक्रोवेव में रख दें। माइक्रोवेव या ओवन ऑन नहीं करना, बस उसके अंदर हमने डो को रखना है बंद जगह पर। तो साथ मैंने डो को रखने के बाद बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी, जो उनसी के पिज़्ज़ा पे हम टॉपिंग पे लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, साथ मैंने 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला लिया है, और साथ में ऐड करूँगी इसमें दही। दही 3 खाने के चम्मच ऐड किया है, और सब चीज़ों को अच्छे से लगा के चिकन को हम मैरिनेट करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और एंड पे थोड़ा सा हम ऑयल भी 1 खाने का चम्मच डालेंगे। ऑयल, दही, टिक्का मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे, और 15 से 20 मिनट के बाद हम अपने चिकन को कुक कर लेंगे। तो
मैरिनेट अगर आपने जल्दी बनाना है तो ज़रूरत नहीं है मैरिनेट करके रखने के लिए, लेकिन अगर करके रख सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इधर मैंने लिया है एक पैन, और पैन में मैं ऑयल इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंने जो अपना ये मैरिनेट चिकन किया था इसमें ऑयल डाला था, तो चिकन को मैं ट्रांसफ़र करूँगी पैन में। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है पैन में, और इसको हमने भूनना अभी नहीं है, हम चिकन को ढक्कन बंद करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। चिकन जब अच्छे से गल जाएगा इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा, और पानी हमने ऐड नहीं करना। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे, जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हमारा चिकन रेडी है पिज़्ज़े के लिए। अभी हम चिकन को ढक के रख देंगे और 10 मिनट तक हमारा चिकन अच्छे से हल्की आंच पे पक जाएगा, तो फिर हम चिकन को भून के अलग कर लेंगे और चिकन की टॉपिंग हमारी इस तरह रेडी हो जाएगी। तो साथ मैंने जो डो रखी थी उसको 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे के बाद देखें ये राइस हो चुकी है, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से राइस हुई है, इसका मतलब है बहुत अच्छे से हमारी डो बन चुकी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको और हमने थोड़ा सा में गूंदना है, और फिर डो को हम रख देंगे और इसके पार्ट कर लेंगे, मतलब 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो 2 मैं पीस करके अलग अलग रख लूँगी, एक मैं बड़ा पिज़्ज़ा बना रही हूँ और एक छोटा। तो इधर हमारा चिकन टॉपिंग भी रेडी हो चुकी है, अभी हम चिकन टॉपिंग रख देंगे जब ठंडी हो जाएगी, तो इतने में हम बाकी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लेंगे जो कि हम ऐड करेंगे। तो अफ्तारी के टाइम पे बना रही हूँ, तो माशाल्लाह सब बहुत ज़बरदस्त बना था, सब चीज़ें परफेक्टली पूरी थी इसके अंदर जो मसाले मैंने ऐड किए थे। तो आप भी अफ्तारी में पिज़्ज़ा बनाएं, कभी कोई डिफरेंट चीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसको मैं ऑयलिंग उसमें कर लूँगी अच्छे से, और फिर हम अपनी डो को इसके अंदर फैला लेंगे। डो को देखें हाथ के मदद से भी कर सकते हैं, और डो को आप बेल के भी पिज़्ज़ा पैन में रख सकते हैं। तो मैंने हाथों के ज़रिए ही इसको फैला दिया है अच्छे से डो को, और इसके बाद मैंने फोक के साथ थोड़े से इसके अंदर होल्स कर लिए हैं जिससे अंदर तक हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से पक जाएगा। और अभी हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी है, अब इसके ऊपर हम करेंगे टॉपिंग। सबसे पहले हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैंने पूरी डो पे अच्छे से लगा दिया है, पिज़्ज़ा की जो हमने डो लगा बेल के रखी है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस का सबसे पहले अच्छे से लगाएंगे। फिर हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से आप टॉपिंग कर सकते हैं, मैंने शिमला मिर्च यूज़ की है, अनियंस प्याज यूज़ किए हैं टॉपिंग में, और जो टिक्का बोटी हमने बनाई थी वो मैंने टॉपिंग में डाली है, और फिर ऊपर से थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। माशाल्लाह सब बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना था। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन चिकन टिक्का पिज़्ज़ा में ज़्यादा टॉपिंग्स नहीं होती, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो ऑलिव्स कर सकते हैं, बाकी जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इसके अलावा मैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है रेसिपी को, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखें मज़ेदार सी पिज़्ज़ा टॉपिंग हो चुकी है हमारी, अगर आपको ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो आप ऊपर से और चीज़ ऐड कर सकते हैं, और फिर मैं एंड पे डालूंगी ओरिगैनो। ओरिगैनो की बहुत अच्छा पिज़्ज़ा पे फ्लेवर आता है, तो ओरिगैनो को मैं स्प्रिंकल कर दूंगी हाफ से कम टीस्पून, तो सारे पिज़्ज़ा पे स्प्रिंकल करना है। तो माशाल्लाह से मैंने इसको 15 मिनट के लिए बेक किया था, ओवन को प्री हीट करना है 10 मिनट पहले, और प्री हीट करने के बाद पिज़्ज़ा रख देना है, और 15 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका था। अगर आपने ज़्यादा थोड़ा सा क्रंची सा करना है, सॉफ्ट कलर नहीं रखते हैं तो आप 20 मिनट वाला जो ओवन में ऊपर वाली फ्लेम से ऑन करते हैं तो आप ज़्यादा देर रख सकते हैं, अगर आपको सॉफ्ट पिज़्ज़ा पसंद है तो बहुत ही मज़े का 15 मिनट में तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड क्रंची सा चाहिए तो फिर आप 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। देखें कितना माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त पिज़्ज़ा बना था, और सब मज़ा आया अफ्तारी में खा के, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। अभी मैं चेक नहीं सकती क्योंकि अफ्तारी नहीं हुई, तो लेकिन बाद में मैंने खाया था अफ्तारी में, माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग, दुआओं में याद रखिएगा।